नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा टी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस का जो है उसका जॉब प्रोफाइल की रियलिटी चेक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं जो भी मुझे फीडबैक मिला, आप जानते ही हो, जो एमटीएस से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मैक्सिमम वॉल्यूम में है, और उनसे मेरा जो है लगातार उनसे बातचीत होती रहती है, भले वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, टेलीग्राम के थ्रू हो या फेसबुक मैसेंजर, हमेशा कहीं ना कहीं जो है बातचीत होती रहती है। तो वहाँ पे जो हम लोग जॉब प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सवाल है एमटीएस में, एक्चुअली होता क्या है और कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या चलता रहता है। तो ये देखो, बहुत सारे बच्चे जो है अभी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनसे मेरा बातचीत चलता है, तो देखो बेसिकली वो क्या है, आप देखोगे, ये व्हाट्सएप में मेरा भेजा गया एक जो है मेरे सब्सक्राइबर ने हमें बताया भी है, उन्होंने राजस्थान इनकम टैक्स में ज्वाइन किया है, और उनको बेसिकली रजिस्टर मेंटेनेंस का काम दिया गया है। तो एक रूमर्स फैला हुआ था, उनका कहना था कि पियोन का काम है तो प्राइवेट पर 20 लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने, जैसे देखो मैंने भी कहा था फ्रॉम द डे बिगिनिंग, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम ऑफिसर्स में अभी आउटसोर्स कर दिया गया है, जहाँ पे जो भी नॉर्म अलग सा काम होता है वो करते हैं, मतलब गंदे वाले जो भी काम होते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूँगा, ये देखो यहाँ हमारे यहाँ कमिश्नर सर ने भी कहा है कि कोई भी एमटीएस का पीओन का काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर ने यहाँ आप कहा है, जैसे सीएजी ऑफिस कोलकाता, मुझे एकदम पर्सनली ये पता है, यहाँ पे नॉर्मल सा जो है सेक्शन वाला काम ही उनको दिया गया है। ये देखो नवीन जी का कहना है, चेन्नई इनकम टैक्स में भी उनको कंप्यूटर वर्क एंड फाइल मेंटेनेंस दिया गया है। ठीक है, लेकिन देखो वंदना जी ने कहा है एएसआई में बहुत ही खराब हॉरिबल कंडीशन है, काम करना पड़ता है मुंबई सर्कल में, एलिफेंटा केब में भेज दिया गया है, बेसिक नीड्स भी नहीं है। देखो यही कहना है, 70% ने रिज़ाइन भी कर दिया है। ठीक है, वहीं देखो मेरी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुआ एनीवन फॉर्म। अच्छा, मैं देखो ये और एक इनकम टैक्स में आया है, उनका भी रोहित जी का भी सेटिस्फैक्शन है। देखो मेरा कहना है, अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशंस कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आ रही है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया या आपका एएसआई हो गया, लेकिन मैं जैसे पहले दिन से कह रहा था, जैसे आपका मैक्सिमम इनकम टैक्स में हो या सीएजी में एज अ होल, जो जिनको भी सीएजी मिला है उनमें काम बहुत ही अच्छा है, लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी में जिनको मिला है, देखो बहुत सारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको एजी, जितने भी सीएजी ऑफिसर में एजी में है, मैक्सिमम जगह पे बहुत ही अच्छा काम मिला है, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ख़राब भी जगह मिला, जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, सर मुझे चाय देने के लिए बोल रहे थे तो मैं क्या करूं। अब देखो क्या कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है आपको कोई भी सुपीरियर काम जो बोले आप करना पड़ेगा। तो मैंने उनको वही सजेशन किया, एटलीस्ट आप जो प्रोबेशन पीरियड में हैं आप ऐसा कुछ मत करो जो भी आपको नुकसान पहुंचा सके। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो अगर आपको ख़राब सा डिपार्टमेंट मिल जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगा डिपार्टमेंट भी ख़राब है, सेक्शन भी ख़राब हो सकता है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एजी में मिला है, उनके अलग जो भी सेक्शन से उनको बहुत अच्छा काम दिया गया, लेकिन उनका जो सेक्शन है उन बहुत ही ख़राब, उनको बहुत प्रेशर है, बहुत ही उल्टा पुल्टा काम कराया जाता है, पर्सनल काम कराया जाता है। तो ये देखो, ये ऑफिस टू ऑफिस, इवन सेक्शन टू सेक्शन, डिपार्टमेंट तो छोड़ ही दो, ऑफिस टू ऑफिस, सेक्शन टू सेक्शन वैरी करता है। हम लोग जानते हैं एक सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक एडमिन सेक्शन हमेशा होता है, या एक जो है ऑफिशियल एडमिन छोड़ के जो जो भी इम्प्लीमेंट सेक्शन होता है, आईटी सेक्शन होता है, तो बहुत सारे सेक्शंस जो है होते हैं, तो वहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है गाइस। तो ये पूरा निर्भर करता है आप, डेफिनेटली मेरा एक ही सजेशन है, आप अगर ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, ज्वाइन करके अगर आपको लगे नहीं भाई मैं ये एकदम नहीं कर पा सकता, तब आप डिसीजन लो, लेकिन जॉब छोड़ो मत। क्योंकि देखो आज हम लोग देख रहे हैं सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी में अभी बहुत ही जो है अनसर्टेनिटी आ चुका है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, अभी केसेस भी चल रहे हैं। तो उस जगह पे देखो आपकी सैलरी तो चल रही है, हाँ अगर आपकी ईगो हर्ट हो रही है, अगर आप एकदम सहन नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, बहुत ही ख़राब वाला है, तब आप देखो अलग से डिसीजन ले सकते हो, ये अपनी ऊपर है। लेकिन मेरा हमेशा सजेशन, अगर थोड़ा सा भी टफ टाइम हो आप उसको जितना भी बाईपास करके अगर काम कर सकते हो ज़रूर करो गाइस, क्योंकि देखो जॉब मिलना बहुत ही टफ़ है, आप इतने करोड़ों
लाखों में जो है एग्ज़ाम देके आपने ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम क्रैक करके आपने जॉब लिया है, तो डेफिनेटली जितना जहाँ जिनको भी टफ, देखो बहुत जिनको अच्छा मिला वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं, हाँ जिनको टफ मिला जैसे वंदना जी ने कहा है उनको, वो अभी ऑब्वियसली वो छोड़ देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है या उनको दूसरा जॉब मिल चुका है। अगर आपको दूसरा जॉब मिल चुका है, अगर आप सेटिस्फाई, तब तो ठीक है, कोई भी इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ MTS जैसा एक जगह है जहाँ पे रियली एक बात है, जहाँ पे थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर गंदा काम दे देता है, कुछ कुछ ऑफिसेस में दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिटरमाइन करना है। तो सभी मैसेजेस हैं जो भी अभी जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है एंड जो MTS 2018 के लिए वेट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये था रियलिटी चेक, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना गाइस आप क्या सोच रहे हैं, मतलब आप MTS प्रिपरेशन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, जो भी मिला है वो क्या करना, मतलब आपका डिसीजन क्या, आप जो आप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो, तो आप ज़रूर मुझे एक कॉमेंट करके बताना गाइस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको डिफ़िकल्टीज क्या फेस करी है, मतलब आप क्या फेस कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, वो भी ज़रूर लिखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।